हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। देखिए, यह पुराना इन्वर्टर है, बहुत ही गंदा है। आप देख सकते हैं, यह तेल का दाग है, छूटेगा नहीं। चलिए, मैंने एक सामान से इसे छुड़ाने के लिए कोशिश किया है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना साफ हो चुका है। आप विश्वास नहीं करेंगे, यह वही इन्वर्टर है जो बहुत ही गंदा था। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इसको इतना साफ कर दिया है। चलिए साफ करते हैं। मैंने इसे खुरच के साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका पैंट छूटने लगा। देखिए, बिल्कुल यह इस तरह से छूट भी नहीं सकता है। एक चीज़ से इसे साफ करेंगे, जो कि बहुत आसान तरीके से यह साफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बहुत ही गंदा, बहुत ही जिद्दी दाग है ये। चलिए साफ करते हैं, देखते हैं किस चीज़ से मैं साफ कर रही हूँ। देखिए, ये टॉयलेट साफ करने वाला है, इसी से मैं साफ करूँगी, क्योंकि इसमें केमिकल होता है। केमिकल रिएक्शन से यह फूल जाएगा और बहुत ही जल्दी इसका तेल, जिद्दी दाग जो भी है वह छूट जाएगा। देखिए, इस तरह से डाल देना है चारों तरफ, अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लाइट का सामान है, ख़राब हो सकता है। इसमें तार में नहीं जाना चाहिए, बचा के आप करिएगा, बाहरी बाहर रहना चाहिए। कोई पुराना ब्रश ले लीजिए, इस तरह से चारों तरफ मिला दीजिए, ताकि आसानी से चारों तरफ कोने कोने में यह लग जाए। आगे पीछे अगल बगल सब तरफ लगा देना है। बहुत ही आसान तरीके से यह लग जाता है। जो इसकी ऊपरी परत है गंदी वाली, वह फूल जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से यह साफ हो जाएगा। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं इसे छोड़े हुए। अब किसी स्क्रबर, देखिए इस स्क्रबर की मदद से साफ करेंगे। लोहे वाला है ये, इस तरह से रगड़ेंगे। इसे मैंने ऊपर से खोल दिया है, यह इसलिए खसक रहा है। पहले मैं साइड का पहले साफ करूंगी, अब तब उसे साफ करूंगी। देखिए, मैंने इसे खोल के निकाल लिया है। अब इस तरह से लगा देना है टॉयलेट साफ करने वाला। इस तरह चारों तरफ आपने लगा दिया। अब इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं, और फिर स्क्रबर की मदद से इस तरह का लेके रगड़ देना है। देखिए, इस तरह से रगड़ेंगे, एकदम साफ हो जाएगा। आप कोई भी टॉयलेट क्लीनर ले सकते हैं। इस तरह से मैंने लगा दिया, और देखिए कितनी आसानी से यह छूटता जा रहा है, बिना किसी मेहनत के। अब इस तरह से पुराना कपड़ा ले लीजिए। पुराना कपड़ा लेके देखिए, इस तरह से साफ कर सकते हैं आप। बहुत ही आसानी से यह साफ हो जाता है। फिर इसे दूसरे कपड़े से गीला करके पोंछ दीजिएगा, क्योंकि यह लाइट का सामान है, पानी से नहीं धोना है। इसी तरह पोंछेंगे तो यह साफ हो जाएगा। साइड का अब साफ हो चुका है। अब चलते हैं इसे साफ करते हैं। देखिए, मैंने साफ करना शुरू कर दिया है स्क्रबर से। इस तरह से रगड़ते जाएंगे, यह छूट जाएगा, बहुत आसानी से यह छूट जाएगा। देखिए कितना गंदा है यह, बिना किसी खर्च के, बिना मेहनत के। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यह साफ हो रहा है। ऐसा कोई भी सामान हो गंदा, आप आसानी से साफ कर सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट साफ करने वाला हर घर में होता है। आप आसानी से लगा के साफ कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से यह छूटता जा रहा है, बिना किसी खर्च के आसानी से यह साफ हो जाएगा। देखिए कितना छूट चुका है, थोड़ा सा ही बाकी रह गया है। मैं साफ कर रही थी, मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाऊं, ताकि जिसका सामान इस तरह से गंदा है वह भी आसानी से साफ कर सके। जैसे आप चाहें तो आप भी देख के कोई भी पुराना सामान साफ कर सकते हैं इसी तरह आसानी से। देखिए कितनी गंदगी थी, यह साफ हो गई है। मैं कपड़े से आपको पोंछ के दिखाती हूँ। ये देखिए, और साइड वाला देखिए कितना गंदा है, आप देख सकते हैं, एकदम जिद्दी दाग है। ये देखिए कितने आसानी से साफ हो गया है, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए कपड़ा एकदम गंदा हो चुका है, मेरे हाथ में भी लग गया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के नीचे घंटी है, यानी बेल आइकन, उसे ज़रूर दबाएं। मेरे चैनल पे आपको वेज नॉन वेज दोनों रेसिपी मिलेगी खाने की, आप ज़रूर देखें। सफाई की भी मिलेगी आपको वीडियो। देखिए यह साइड का भी छूट चुका है, कितनी आसानी से यह छूटता जा रहा है। देखिए मैंने कपड़े से पोंछ दिया है, यह पुराना कपड़ा है, कोई भी आप पुराना कपड़ा ले सकते हैं पोंछने के लिए। देखिए कितना चमक गया है। अब मैंने साफ कपड़ा लिया है, उसे पानी से भिगो लिया है, अब भिगो के पोंछ दिया है, क्योंकि यह लाइट का सामान है, पानी से मत धोइएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा।
अब इसके आगे वाला भी भाग साफ करेंगे। अभी मैंने इस तरफ का साफ किया है, साइड का साफ किया है, आप देख सकते हैं कितना चमकने लगा है। देखिए ये आगे का हिस्सा है, यह भी फूल चुका है। अब इसे भी मैं स्क्रबर से साफ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना गंदा था, यह भी साफ होने लगा है, नंबर तक दिखने लगा है इसका। देखिए इसी तरह रगड़ देना है, देखिए कितनी आसानी से छूटता जा रहा है। ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, देखिए इसका नाम भी छिप गया था एकदम गंदगी से, अब दिखने लगा है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम मेहनत में यह साफ हो जाता है। आपकी भी कोई भी चीज़ हो इस तरह की तो आप साफ कर सकते हैं आसानी से। अब आगे का भाग भी कपड़े से पोंछ देते हैं। देखिए यह पुराना कपड़ा है, इस तरह से रगड़ देना है, यह साफ हो जाएगा। गंदे हाथ से पकड़ने पे ऊपर भी लग गया, वह भी मैंने पोंछ दिया। देखिए कितना साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे किसी गीले कपड़े से पोंछ देंगे। मैंने हाथ धो लिया है, मेरा हाथ भी गंदा हो गया था। अब इसी से गीले हाथ से पोंछ देते हैं, इस तरह से पानी नहीं जाना चाहिए, इस तरह से पोंछ के। और कॉटन का कपड़ा, कोई भी पुराना कपड़ा आप ले सकते हैं, साफ होना चाहिए। देखिए कोई भी टॉवल लेके आप पोंछ दीजिए, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। देखिए इस तरह से पोंछ के साफ कर देना है, एकदम नया हो गया है। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा यह वही इन्वर्टर है, एकदम चमक चुका है, एकदम नया जैसा हो गया है। देखिए कितनी अच्छी तरह यह साफ हो चुका है, एकदम नए जैसे चमक रहा है। आप कभी कोई सामान हो आप भी इसी तरह साफ कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आप देख सकते हैं कितना चमक रहा है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।